हाउ टू कैलकुलेट द साइज ऑफ ए सोलर सिस्टम रिक्वायर्ड बाई यू? क्या मैं अपने घर के अप्लाइंसेज जैसे कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन इस सिस्टम की मदद से चला पाऊंगा? और अगर हाँ तो मैं कितना बड़ा सोलर सिस्टम लगवा सकता हूँ या लगवाना पड़ेगा? जी हाँ, लगवा सकता हूँ और लगवाना पड़ेगा, इसमें बहुत डिफरेंस है। इसमें भी कुछ प्रोडक्ट्स में कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है जो आपको फॉलो करनी पड़ती है। पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम्स में भी टाइप्स होते हैं। जी हाँ, बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सोलर ऑन टू ग्रिड सिस्टम और एक होता है ऑफ ग्रिड सिस्टम। और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जब चाहे, जहाँ चाहे, जितना चाहे इन सिस्टम की मदद से अपने अप्लाइंसेस को चला सकते हैं। लेकिन ये करने के लिए आपको तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक होता है अफोर्डेबिलिटी, एक होता है अवेलेबिलिटी और एक होता है रिलायबिलिटी। अब कौन सा साइज़ आपके लिए सूटेबल होगा, अफोर्डेबल होगा और रिलायबल होगा, यही सब जानने की हम कोशिश इस वीडियो में करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, पूरे कॉन्सेप्ट को समझें। और हाँ, इस वीडियो के अंत में आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिससे कि आप अपने लिए एक अच्छा सा सोलर सिस्टम ले सकते हैं। इस वीडियो में हमने किसी भी तरीके का कोई प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं की है, तो आप इसे किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मैं अजीत बहादुर आप सबका सोलर इज माई पैशन पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जो लोग इस प्लेटफॉर्म के ऊपर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम सिर्फ सोलर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कितने टाइप्स के सोलर प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है, उनमें क्या क्या नए डेवलपमेंट्स हुए हैं और इन प्रोडक्ट से रिलेटेड गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स क्या हैं, इसके बारे में भी जानकारी लाते रहते हैं। और हाँ दोस्तों, इस चैनल के ऊपर सोलर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, प्रोफेसर्स, स्टेट नोडल एजेंसी ऑफिसर्स और ट्रेंड सेटर्स लोगों ने भी अपना इन्फॉर्मेशन और नॉलेज शेयर किया है। आप उनके वीडियोस देख के अपने स्किल्स को इन्हांस भी कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं और नया कुछ ट्रेंड सेटिंग काम या डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी कुछ ऐसा किया है जिससे कि सोलर इंडस्ट्री का भला हो सकता है, तो उसे आप हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। हम उस इन्फॉर्मेशन को अपने इस चैनल के ऊपर लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो अब हम अपने टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं, जो कि है कैसे करें अपने लिए सही सोलर सिस्टम के साइज़ का सिलेक्शन। जैसे ही सोलर सिस्टम की बात आती है तो मन में तीन चार क्वेश्चन बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं, जैसे कि ये सिस्टम महंगा होता है, इसमें मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, ये उन लोगों के लिए है जहाँ पे बिजली नहीं है, और इन सिस्टम्स को प्रमोट करने के लिए सरकार कुछ सब्सिडी दे रही है या नहीं दे रही है। ये सारे क्वेश्चंस पहले भी थे और अभी भी हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन क्वेश्चंस को ज़रा साइड में रखिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए, समझिए। मुझे यकीन है कि अगर आपने इस वीडियो को पूरी तरह देखा, समझा, तो आपको खुद ब खुद इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा और आप अपने लिए एक सही सोलर सिस्टम और सही साइज़ का सिलेक्शन कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको कोई भी सोलर सिस्टम सेलेक्ट करने से पहले आपको अपनी ज़रूरत ठीक से निकालनी पड़ेगी। आपको क्या चलाना है, कितना चलाना है और कब चलाना है, ये पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन निकालना होगा। आपको आपका सिस्टम एज ए बैकअप इस्तेमाल करना है, या आपको थोड़ा सा जनरेशन चाहिए, थोड़ा सा बैकअप, या टोटली 100% जनरेशन ही चाहिए, ये भी आपको ही तय करना है। अब जैसे कि पहले भी बताया था कि सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम्स में दो टाइप के सोलर सिस्टम्स होते हैं, एक होता है सोलर ऑन टू ग्रिड सोलर सिस्टम्स और एक होता है सोलर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम्स। आप अपनी ज़रूरत या एप्लीकेशंस के हिसाब से इन सिस्टम्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। ऑन टू ग्रिड सोलर सिस्टम्स और उसकी साइजिंग के बारे में हम आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं। पहले हम समझ लेते हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम्स की साइजिंग कैसे की जाती है। तो जैसा कि नाम, वैसा ही इसका काम। ये सिस्टम आप उन सभी जगहों पे लगा सकते हैं जहाँ पे ग्रिड अवेलेबल नहीं है या इररेगुलर है, तभी इसका नाम ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम भी पड़ा है। दूसरा, जनरली इन सिस्टम्स को आप बैकअप की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक बैटरी होती है जो कि एनर्जी को स्टोर करती है और आप इसे जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, तीसरा, इस सिस्टम में बैटरी होने की वजह से इस सिस्टम का कॉस्ट और मेंटेनेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। और चौथा, आप में से कई लोगों ने इसे कई जगहों पे देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर होम लाइटिंग किट, सोलर लालटेन, इसके कुछ टाइप्स हैं। इन सब सिस्टम्स के अंदर एक पीवी मॉड्यूल होता है, एक चार्ज कंट्रोलर होता है और एक बैटरी होता है। इन सिस्टम्स को आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सिस्टम्स को आपने जनरली रिमोट लोकेशंस में भी देखा होगा। जी हाँ, जहाँ पे ग्रिड अवेलेबल नहीं है वहाँ पे भी ये सिस्टम्स लगे हुए हैं और ये वहाँ पे कामयाब भी हैं। और इसीलिए सोलर इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी कहना कोई गलत नहीं होगा। जी हाँ, आपने सही सुना, सोलर इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसा है। और इसे मैंने पूरी तफसील से अलग से एक वीडियो में समझा रखा है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब ये ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम से भी बहुत बड़ा टॉपिक है। आपको क्या चलाना है, कब चलाना है, कितना चलाना है,
इन सब के कारण थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशंस भी करना पड़ता है। फिलहाल मैं उन कैलकुलेशंस को अभी इस वीडियो में नहीं छेड़ूंगा। अगर आपकी डिमांड रही या आप उस टॉपिक को भी सीखना चाहते हैं तो मैं उस टॉपिक के ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें फॉरवर्ड कैलकुलेशन और बैकवर्ड कैलकुलेशन दोनों समझाने की कोशिश करूँगा। फॉरवर्ड और बैकवर्ड कैलकुलेशन का मतलब कि अगर आपको लोड पता है कितने घंटे चलाना है और कब चलाना है तो उस हिसाब से कितने का मॉड्यूल होना चाहिए, कितने का बैटरी होना चाहिए और कौन कौन से चार्ज कंट्रोलर्स अवेलेबल हैं, वो वाला कैलकुलेशन। या फिर आपके पास कोई बैटरी है या बैटरी बैंक है तो आप उसके ऊपर कितना लोड चला सकते हैं, कितने देर तक चला सकते हैं और उस बैटरी को चार्ज करने के लिए कितने का सोलर मॉड्यूल होना चाहिए, ये सारा कैलकुलेशन उस वीडियो में समझा दूंगा अलग से। और ये सब डिपेंड करता है आपकी डिमांड के ऊपर। अगर आपकी डिमांड होगी तो वो ज़रूर पूरी की जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहते हैं या फिर हमारे इन वीडियोस के लिए कुछ कमेंट्स, रिकमेंडेशंस या सजेशंस भी अगर आप हमें देंगे तो वो हमें नए वीडियोस बनाने में काम आएंगे। तो ये सब बातें हुई ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम्स की जो कि ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं और इन प्रोडक्ट्स के कुछ सर्टिफाइड मॉडल्स और स्पेसिफिकेशंस भी होते हैं। इनफैक्ट इन सिस्टम्स को भी प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट की कई पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स भी हैं। अब ये मॉडल्स और स्पेसिफिकेशन क्या है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स क्या है, ये सारी की सारी जानकारी आपको MNRE की वेबसाइट पे मिल जाएगी या फिर आपके स्टेट के स्टेट नोडल एजेंसी के वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप इन प्रोडक्ट्स के ऊपर और भी जानकारी इन वेबसाइट्स के ऊपर जाके निकाल सकते हैं। अब आते हैं अपने दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर जो कि है ऑन टू ग्रिड सोलर सिस्टम्स और इस सिस्टम की साइजिंग कैसे की जाती है या कौन से साइज़ का सोलर सिस्टम्स आपकी रिक्वायरमेंट के लिए सूटेबल रहेगा, थोड़ा वो भी समझ लेते हैं। और हाँ दोस्तों, इस सिस्टम को लगवाने के लिए गवर्नमेंट रेजिडेंशियल सेक्टर के लिए सब्सिडी भी दे रही है। अब ये सब्सिडी के ऊपर भी आपको जानकारी मैं आगे दूंगा। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि आपके रिक्वायरमेंट के लिए आपको कौन से साइज़ का सिस्टम सूटेबल रहेगा या फिर आप कितने साइज़ का सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। जी हाँ, इसमें कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं, गाइडलाइंस हैं जो आपको फॉलो करनी है क्योंकि इसमें तीन डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं। एक तो है MNRE जिसने की पॉलिसी एंड प्रोसीजर बना दिया है, जिसे इंप्लीमेंट कर रही है वहाँ की स्टेट नोडल एजेंसी। स्टेट नोडल एजेंसी आपकी जितनी भी पॉलिसी और सब्सिडी रिलेटेड एक्टिविटी है उसको हैंडल कर रही है। और दूसरी है वहाँ की डिस्कॉम। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आप जितनी भी बिजली ले रहे थे वो आप अपने एग्जिस्टिंग डिस्कॉम से ले रहे थे। अब ये सिस्टम लगवाने के बाद चूँकि आप खुद बिजली पैदा करोगे और वहाँ के डिस्कॉम को दोगे तो वहाँ का डिस्कॉम भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं जिसे आपको फॉलो करना ही है। तो पहले समझ लेते हैं कि पॉलिसी एंड प्रोसीजर के हिसाब से आप कितने का सिस्टम लगवा सकते हैं। तो दोस्तों, सोलर रूफटॉप पॉलिसी के अंडर कुछ स्टेट्स में आप 100% ऑफ द कनेक्टेड लोड और कुछ स्टेट्स में 90% ऑफ द कनेक्टेड लोड तक का आप सिस्टम लगवा सकते हैं। और इसका इन्फॉर्मेशन आपके बिजली के बिल के ऊपर दिया रहता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कनेक्टेड लोड क्या है या सैंक्शन लोड क्या है ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जितना भी सैंक्शन लोड या कनेक्टेड लोड लिखा हुआ है आप उतने तक का ही सिस्टम लगवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दिस इज़ द मैक्सिमम लिमिट, आप इतने तक का ही सिस्टम लगवा सकते हैं। इसका एक मिनिमम लिमिट भी है कि ये 1 kW के नीचे का सिस्टम इसमें एलिजिबल नहीं है या अलाउड नहीं है। तो आपका ये सिस्टम मिनिमम 1 kW का होना चाहिए और मैक्सिमम जितना आपका सैंक्शन लोड है। अगर आपको सैंक्शन लोड के ऊपर का सिस्टम लगवाना है तो आपको वापस अपने बिजली बोर्ड के पास जाना पड़ेगा और अपने सैंक्शन लोड या कनेक्टेड लोड को बढ़वाना पड़ेगा। आप जितना बढ़वाएंगे उतने तक का आप सिस्टम लगवा सकते हैं। बॉटम लाइन ये है कि आपके उधर की पॉलिसी के हिसाब से आपको देखना है कि आप 100% ऑफ द कनेक्टेड लोड लगा सकते हैं या 90% ऑफ द कनेक्टेड लोड लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप पे। सैंक्शन लोड या कनेक्टेड लोड से आपको ये पता लगेगा कि आप इतने तक का सिस्टम लगवा सकते हैं, पर इसे लगवाने के लिए जगह भी तो चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सैंक्शन लोड हुई एक बात, आपको आपकी जगह भी तो देखनी है कि क्या आप अपने का सिस्टम लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते हैं। अब ये जगह सेलेक्ट करने के लिए आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा वो भी समझ लेते हैं। पहली बात तो जो जगह आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो साउथ फेसिंग होनी चाहिए या साउथ डायरेक्शन में होनी चाहिए। दूसरा, ये शेडो फ्री जगह होनी चाहिए। जी हाँ, इस जगह पे छांव नहीं आनी चाहिए। तीसरा, आपको एक एंगल भी मेंटेन करना है। और चौथी, ये जगह एक्सेसिबल भी होनी चाहिए। जी हाँ, कल को अगर कुछ मेंटेनेंस हो तो आप इस सिस्टम को एक्सेस कर पाएँ और मेंटेन कर पाएँ, ऐसी जगह होनी चाहिए। अब ये जो सिस्टम है जनरली घर के छतों के ऊपर लगाया जाता है, तभी इसका नाम सोलर रूफटॉप पड़ा है। अब चूँकि ये सिस्टम छत के ऊपर लगेगा तो डस्ट भी आएगा, तो ये जो डस्ट है, ये जो गंदगी है, ये सिस्टम की परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करता है।
जी हाँ दोस्तों, इस सिस्टम को लगवाते वक्त आप ये ध्यान रखें कि वो जगह इजीली एक्सेसिबल है, आप उस जगह पे आसानी से पहुंच सकें और इन मॉड्यूल्स की साफ़ सफाई कर पाएँ, ऐसी ही जगह सेलेक्ट कीजिएगा। अब जैसा कि हमने देखा कि पहला स्टेप था कि आपको आपके स्टेट की पॉलिसी के हिसाब से आपको देखना है कि आप कितने का सिस्टम लगवा सकते हैं, दूसरा आपको देखना है कि आपके पास जगह कितनी अवेलेबल है। अब एक तीसरा तरीका भी देख लेते हैं जिससे कि आप अपने सिस्टम का साइजिंग कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको आपके बिजली का बिल निकालना पड़ेगा। पिछले 10-12 महीने का आप बिजली का बिल निकाल लीजिए, उसके अंदर आपका यूनिट कंजम्पशन दिया होगा कि किस महीने में कितना कंजम्पशन हुआ है, वो आप निकाल लीजिए। इन सारे बिल्स को देख के आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि आपका किस महीने में कितने यूनिट्स का कंजम्पशन है, जिसके बेसिस पे आप एवरेज यूनिट कंजम्पशन भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने पूरे बिल्स देख लिए और यूनिट्स का अंदाज़ा लगा लिया और आपका एवरेज यूनिट कंजम्पशन 300 यूनिट आता है पूरे महीने का, तो इन 300 यूनिट्स के लिए आप कितने का सिस्टम लगवाएंगे, ज़रा वो भी देख लेते हैं। अब आपको ये तो मालूम है कि आपका एवरेज मंथली कंजम्पशन 300 यूनिट है, उसको डिवाइड करेंगे 30 डेज से तो आपका डेली यूनिट कंजम्पशन निकल जाएगा, जो कि यहाँ पे निकलता है 300 / 30, दैट इज़ 10 यूनिट्स। तो आपको ऑन एन एवरेज 10 यूनिट की ज़रूरत है हर दिन अपने घर के अंदर जितने भी अप्लाइंसेस हैं उसको चलाने के लिए। अब आपको मालूम है कि आपकी रिक्वायरमेंट 10 यूनिट पर डे है, तो आपको 10 यूनिट जनरेट करने वाला सिस्टम लगवाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके लिए एक थंब रूल है कि 1 किलोवाट का जो सिस्टम है वो ऑन एन एवरेज 4 से 5 यूनिट जनरेट करता है, तो आपको आपकी रिक्वायरमेंट जो कि 10 यूनिट है, तो आपको 2 किलोवाट का ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम सफिशिएंट रहेगा। दोस्तों, ये 2 किलोवाट का सिस्टम पूरे दिन में आपको 10 यूनिट तक यूनिट्स जनरेट करके देगा। पूरे दिन का मतलब है सनशाइन आवर्स। जी हाँ, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक या शाम के 5 बजे तक जितना भी सनशाइन इसे मिलेगा उस हिसाब से ये जनरेट करके देगा, और साल के ये 300 दिन से 340 दिन तक बेहतर परफॉर्म करेगा और बाकी के दिन में इसकी परफॉर्मेंस में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। जी हाँ, बाकी के दिन की जो मैं बात कर रहा हूँ वो है बरसात के दिन या फिर वो दिन जिस दिन धूप नहीं आई। तो जिस दिन धूप नहीं आएगी या जिस दिन बरसात ज़्यादा होगी तो इस सिस्टम का परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम होगा, ख़त्म नहीं होगा। तो उन दिनों में क्या होगा, क्या आपके घर के अंदर जो अप्लाइंसेस है वो ठीक से चल पाएंगे या पूरी तरह चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे या थोड़ी बहुत दिक्कत तो नहीं होगी? तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जैसा कि इसका नाम आपको मालूम है कि ये ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम है, तो ये सिस्टम नॉन सनशाइन डेज या बरसात के दिनों में ग्रिड से आपकी ज़रूरत को पूरा कर देगा। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको और भी कुछ समझना होगा कि इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, बैंकिंग क्या होता है, एडजस्टमेंट क्या होता है, और अल्टीमेटली आपका बिल ज़ीरो या कम कैसे होगा, ये भी थोड़ा सा समझ के लेना होगा। अब चूंकि ये टॉपिक भी थोड़ा सा लंबा है और बड़ा है, तो इसके लिए हमने इस टॉपिक को अलग से एक वीडियो में समझा रखा है, जिसमें कि हमने बताया है कि अगर आप ये ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाते हैं तो आप अपने बिजली का बिल कम या ज़ीरो भी कर सकते हैं। उस वीडियो में ये इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एडजस्टमेंट, बैंकिंग, इस सब के ऊपर पूरी तरह से समझाया हुआ है। तो अब तक तो आपको ये समझ आ गया होगा कि आप कितने का सिस्टम लगवा सकते हैं। पहले तो आपको पॉलिसी देखनी है, दूसरा अपनी जगह देखनी है, तीसरा आपकी रिक्वायरमेंट देखनी है। आप इन तीनों पॉइंट्स को देखने के बाद आप अपने लिए कोई भी ग्रिड कनेक्ट सोलर सिस्टम लगवाएं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा, क्योंकि ये सिस्टम आपके लिए पावर जनरेट कर रहा है। ध्यान में रखिए कि ये सिस्टम आपके लिए पावर जनरेट कर रहा है, जो कि लीगल है, और सेंट्रल गवर्नमेंट इस सिस्टम को प्रमोट करने के लिए सब्सिडी भी दे रही है। तो ये एक सुनहरा मौका है, आप इन सिस्टम्स को लगवाएं, अपनी बिजली का बिल कम करें, ज़ीरो करें, आप अपने लिए खुद बिजली पैदा करें, और जो रिकरिंग कॉस्ट है जो हर महीने आपको पे करना पड़ता है, उसको आप एक बार में ही ये सिस्टम लगवा के ख़त्म कर सकते हैं। ये सिस्टम को आप पहली बात तो आप बैकअप की तरह मत समझिए, ये सिस्टम आपके लिए पावर जनरेट करेगा। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि आपको मैं इस सिस्टम के बारे में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दे दूंगा, तो पहली बात आती है कि इस सिस्टम से रिलेटेड पॉलिसी से एंड प्रोसीजर के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से निकल पाएगी। तो सबसे पहले आपको आपके स्टेट की स्टेट नोडल एजेंसी के वेबसाइट पर जाना पड़ेगा या ऑफिस में जाके इसका इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब ये स्टेट नोडल एजेंसी का इंफॉर्मेशन कहाँ से निकलेगा कि कौन से स्टेट में कौन सी स्टेट नोडल एजेंसी है, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, तो इसका भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप या तो solarrooftop.gov.in पे जाके इंडिया में जितने भी स्टेट नोडल एजेंसी है उनका पूरा लिस्ट निकाल सकते हैं, या फिर MNRE की वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं कि आपके स्टेट की स्टेट नोडल एजेंसी का नाम क्या है, उसका वेबसाइट क्या है। अब ये सोलर रूफटॉप से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है उसका इंफॉर्मेशन 3 जगहों पे तो अवेलेबल है,
एक तो एमएनआरई की वेबसाइट पे अवेलेबल है, दूसरा solarrooftop.gov.in के ऊपर अवेलेबल है, और तीसरा आपके स्टेट के स्टेट नोडल एजेंसी की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। आप इन वेबसाइट पे जाके पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स के बारे में पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इन वेबसाइट्स के ऊपर ये सिस्टम के बारे में, गाइडलाइंस के ऊपर, स्पेसिफिकेशंस के ऊपर, सर्टिफिकेशंस के ऊपर सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, और कई स्टेट नोडल एजेंसीज़ ने आपकी सहूलियत के लिए पूरा पूरा प्रोसीजर भी बता रखा है। जी हाँ, इस सिस्टम का क्या बेंचमार्क कॉस्ट होता है, आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी, आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, मिनिमम कैपेसिटी का सिस्टम आप कितना लगा सकते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी का सिस्टम आप कितना लगा सकते हैं, सब्सिडी किसको मिलेगी, कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसके बारे में भी जानकारी दे रखी है। ये पॉलिसी थोड़ी सी नई है, और किसी से कोई गलती ना हो, किसी का कोई नुकसान ना हो, इसलिए सारा का सारा इन्फॉर्मेशन इन वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल है। इनफैक्ट आपकी सहूलियत के लिए तो कई नोडल एजेंसी की वेबसाइट्स के ऊपर ऑथराइज्ड वेंडर्स या एम्पैनल वेंडर्स का भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। जी हाँ, आप अपनी स्टेट नोडल एजेंसी की वेबसाइट्स के ऊपर जाके इन अप्रूव्ड वेंडर्स और एम्पैनल वेंडर्स को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ये एम्पैनल वेंडर्स आपके स्टेट में काम करने के लिए अप्रूव्ड हैं, ऑथराइज्ड हैं, तभी इनका नाम आपकी स्टेट नोडल एजेंसी की वेबसाइट के ऊपर दिया गया है। ये अप्रूव्ड वेंडर्स आपको सब्सिडी का प्रोसीजर कंप्लीट करने में भी मदद करेंगे। अब एक बड़ा क्वेश्चन आया था कि ये सब्सिडी मिलेगी कब, पहले मिलेगी, बाद में मिलेगी, कब मिलेगी? तो दोस्तों, ये स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि ये सब्सिडी मिलती ज़रूर है। जी हाँ, भले टाइम लग जाए, एक महीना, दो महीना, पाँच महीना, छः महीना लग जाए, लेकिन ये आपको मिलती ज़रूर है। अब आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि कोई भी अपनी जेब से सब्सिडी नहीं दे सकता, ये सब्सिडी गवर्नमेंट ही देती है, जिसके लिए आपको कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने होंगे। अब ये सिस्टम लगवाने के लिए आप सब्सिडी लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, ये आपका डिसीजन है। तो भले ही आप 1 किलोवाट का सिस्टम लगवाएं, 2 किलोवाट का सिस्टम लगाएं, या 100% ऑफ द कनेक्टेड लोड लगाएं, लगाएं ज़रूर, क्योंकि इस सिस्टम से आप अपने लिए खुद बिजली पैदा कर पाएंगे। इस सिस्टम को लगवाने के लिए जो पैसा आप खर्चा करेंगे, वो अगले आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर पूरा वसूल हो जाएगा, और आप इस सिस्टम से आगे आने वाले 15 से 20 साल तक फ्री में बिजली लेंगे। जी हाँ दोस्तों, फ्री में। अब इस टॉपिक से रिलेटेड और भी कई क्वेश्चंस निकल के आते हैं, जैसे कि आपके घर में तो ऑलरेडी इन्वर्टर है, तो क्या आप उस इन्वर्टर को अपग्रेड कर सकते हैं, क्या आप उसे अपग्रेड करके ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम में इस्तेमाल कर सकते हैं? और एक बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या ये सिस्टम स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर्स में भी बेचा जाता है या खरीदा जाता है? ऐसे कई टॉपिक्स और इन्फॉर्मेशन को लेके ही हम इस चैनल के ऊपर नए नए वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका सब्जेक्ट और इंटरेस्ट सोलर है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो इसे दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। हाँ, अगर आपके मन में कोई डाउट या क्वेश्चन अभी भी कोई बाकी है, या फिर आप अलग से किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, तो आप हमें वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम जल्द से जल्द उस क्वेश्चन का आंसर लाने या उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और इन्जॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।